close till I get up. Time is back. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्नैपचैट का एक न्यू फीचर जो इंट्रोड्यूस करवाया है कल की डेट में 19 अप्रैल को स्नैपचैट ने, कि अब जितने भी क्रिएटर होंगे, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, इसके अलावा और भी कंट्री हैं, वो अपने स्नैपचैट की स्टोरी पर भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसका एक क्राइटेरिया है। इस वीडियो में आज मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। कल ही ये नया फीचर लॉन्च कर दिया गया, आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक फॉर्म है जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, स्नैपचैट की वेबसाइट पे अभी अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही वो होगा उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, लेकिन जो क्राइटेरिया है और कौन से कंट्री एलिजिबल हैं वो इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। ये है स्नैपचैट स्टोरी रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम जो कि अभी लॉन्च किया गया है। इस पर आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल की जो स्टोरी आप अपलोड करते हैं उसके व्यूज़ पर अर्निंग कर सकते हैं। क्वालिफाई होने के लिए आपके पास 50,000 फॉलोवर्स पब्लिक प्रोफाइल पर होने चाहिए। इसके अलावा 25+ मिलियन व्यूज़ और 12,000 घंटे लास्ट 28 डेज में कंप्लीट होने चाहिए। देखा होगा आपकी पब्लिक प्रोफाइल पे एक जगह स्पॉटलाइट के व्यूज़ ये होते हैं, एक जगह आपकी स्टोरीज़ के व्यूज़ ये होते हैं। जो पब्लिक प्रोफाइल पे आपके स्टोरी अपलोड करते हैं उस पे 25 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। ये आपने चेक करना है, उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है। और जब आप अप्लाई करेंगे उससे एक महीना पहले आपने डेली 10 दिन तक 20 से 40 स्टोरी अपलोड करनी है अपनी पब्लिक प्रोफाइल पर। 18 साल का आपको होना चाहिए, एलिजिबल कंट्री में होना चाहिए और कंप्लाई विद प्रोग्राम्स एंड टर्म्स। और जो रेवेन्यू आपके साथ किस तरह से शेयर किया जाएगा, आपकी स्टोरी पे ऐड चलेंगे, ऐड से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो स्नैपचैट आपको भी देगा और ख़ुद भी रखेगा। गाइस, स्टोरी पे जो अर्निंग होगी वो भी क्रिस्टल के थ्रू होगी। आपके पास क्रिस्टल आएंगे, जितनी भी स्टोरी अपलोड करेंगे उसके क्रिस्टल होंगे। जब भी आप किसी फॉर्म के थ्रू अप्लाई करेंगे आपके पास ईमेल आएगी कि आप एलिजिबल हो गए हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं या नहीं। सो गाइज, इसके लिए आप अपनी ईमेल अपडेट रखें, अपना फ़ोन नंबर अपडेट रखें। आपकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है स्नैपचैट में वो अपने पैन कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्पॉटलाइट की अर्निंग को विदड्रॉ करते हैं। आप बाद में फिर ये ना कहना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, यहाँ कुछ और थी, वहाँ कुछ और थी, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर आप बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर हर चीज़ अप टू डेट रखें अप्लाई करने से पहले। सो गाइज, यहाँ पर आप कंट्री देख सकते हैं। जो स्टोरी रेवेन्यू का प्रोग्राम है इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। इसके अलावा आप जिस भी कंट्री से हैं आप अपना कंट्री यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो स्पॉटलाइट इंसेंटिव प्रोग्राम में ये कंट्री एलिजिबल हैं। अगर आप इस कंट्री से हो तो आप कंटिन्यू स्पॉटलाइट पे भी अर्निंग कर सकते हो। थैंक यू।